हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन. दिस इज अमन ठाकुर और आज करता हूँ मैं आप लोगों का स्वागत एक बेहतरीन मॉर्निंग के साथ, बादलों भरी मॉर्निंग के साथ. और वेलकम टू धर्मशाला वंस अगेन. सो पहले तो आप ये व्यू चेक करो, उसके बाद फिर मैं आपसे बात करता हूँ. जस्ट चेक दिस आउट. इंसान को इससे ज़्यादा और क्या चाहिए अपनी ज़िंदगी में कि उसकी मॉर्निंग की कैसी जगह हो, जहाँ पे खूबसूरती हो, शांति हो, सुकून हो. तो आज मैं एक अलग ही लेवल की कुर्सी पे झूम रहा हूँ अकेला. सोलो राइड करना और सोलो ट्रिप पे आना और ऐसी वादियों के बीच में अकेले घूमना, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग. एक खूबसूरत लम्हा है मेरे लिए. तो आप लोग ये ब्यूटी देखो पहले, उसके बाद फिर मैं उसे बात करता हूँ. ये रही धौलाधार रेंज के ऊपर, आपके बिल्कुल जो सामने दिखाई दे रही हूँ धौलाधार रेंज के ऊपर, जो बिल्कुल वाइट पीक जो बर्फ़ से ढकी हुई है अभी. और मौसम आज कुछ ऐसा है, बादल हैं. और इस बता दूँ कि मैं अभी ब्रेकफास्ट करके जो एक नई लोकेशन आपको दिखाऊँगा, जो एक्सप्लोर करूँगा, बाइक पर जाऊँगा वहाँ पर अपनी और एक्सप्लोर करूँगा, तो आप लोगों को दिखाऊंगा मैं. वो बिल्कुल इनके पास है, वाइट रेंजेस के पास ही वो एक जगह है. वो मैं आपको ब्लॉग के बीच में बताऊंगा, रिवील करूंगा वो जगह. तो आप ब्लॉग के साथ बने रहो और फील लो ये ब्यूटी और ये सब कुछ जो है यहाँ पे इस राउंड धर्मशाला के राउंड. ये एक सीरीज़ है, पार्ट वाइज सीरीज़, डे वन, डे टू, डे थ्री के हिसाब से मैं इसको एक्सप्लोर करूँगा. तो आप लोग बने रहो. तो गाइज़, अब मैं जा रहा हूँ वापस मॉर्निंग वॉक करके और थोड़ी सी वीडियो बना के, जो आपको पीछे दिखी होगी वीडियो जो बनाई थी मैंने भी वाइट पीक की और मॉर्निंग वॉक की. तो अब मैं जा रहा हूँ वापस रूम पे, अब नहाऊँगा, ब्रेकफास्ट करूँगा, उसके बाद निकलूँगा फिर बाइक पे, जो मैंने आज का शेड्यूल सोचा है वहाँ जाऊँगा और आपको दिखाऊँगा वाइट पीक बिल्कुल पास में. क्योंकि एक बार मैं वहाँ पर गया था लास्ट टाइम, तो मुझे वो जगह बिल्कुल ही पसंद आ गई थी. तो अब जाऊंगा और दिखाऊंगा आपको वहाँ के कुछ नज़ारे. और अब तक ब्लॉग के साथ बने रहो और जस्ट एंजॉय द वेदर, क्योंकि आज मौसम बिल्कुल ही जो है वो प्यारा है और बादल हैं, धूप है और हल्की हल्की ठंड है. देखो और तब तक बने रहो ब्लॉग के साथ और मिलता हूँ मैं आपको ब्रेकफास्ट के बाद और बाइक मिलता हूँ आपको. जैसा मौसम यहाँ का, हल्के हल्के बादल हैं और आपको बाइक पीक सामने जो बाइक पीक दिखाई दे रही है, वो बाइक पीक वहाँ पे उसके पास जा रहा हूँ मैं भी थोड़ी देर में बाइक लेके. यहाँ से कुछ रोड है खनियारा से, रोड ऊपर को जाएगा ये. फर्स्ट करने के बाद मैंने कर लिया अपना बैग पैक. तो अब मैं जा रहा हूँ अपनी एक लोकेशन पे, अपनी NS 200 पे. तो ये हो चुका हूँ मैं पैक पूरा, सब कुछ ऑल फाइन और ये हेलमेट रेडी. तो अब मैं जा रहा हूँ खड़ोता. तो अब मैं मिलता हूँ आपको बाइक पे, ब्रेकफास्ट करके, सब चाय वगैरह पी के, सब पूरा फ्रेश होकर मैं जा रहा हूँ अपनी एक लोकेशन पे. तो आप बने रहो ब्लॉग के साथ और देखते रहो धर्मशाला पार्ट सीरीज इसी तरह और देते रहो ढेर सारा प्यार. मैं मिलता हूँ आपको बाइक पे. तो गाइस फाइनली मैं आ चुका हूँ ऑलरेडी. तो करते हैं अपनी राइड की शुरुआत लेके जय माता दी. जाएगा खनियारा के लिए
आगे रोड खनियारा के लिए हो जाएगा, आगे मैक्लोडगंज और धर्मशाला में धर्मशाला के लिए। इसको भी मैं किसी जनाओं के साथ एक्सप्लोर करूँगा। फिलहाल मेरी जो डेस्टिनेशन है वो इस साइड है, तो मैं जा रहा हूँ इस साइड। अगर आप कभी किसी को पैराग्लाइडिंग करनी हो तो ये पैराग्लाइडिंग का पॉइंट है, यहाँ से आप इनको आप हाई कर सकते हो पैराग्लाइडिंग के लिए। ये पैराग्लाइडिंग बुकिंग के लिए इंद्रनाथ एडवेंचर्स के नाम का है। तो ये है कुछ ऐसे खुली सी टैली आगे, और रही बाइक के सामने बिल्कुल उसी के पास जा रहा हूँ, बिल्कुल बिल्कुल पास। फाइनली गाइस सुनहरा के लिए रोड। आप लोग बने रहो ब्लॉग के साथ और लीजिए बाइक का मजा, क्योंकि मैं जा रहा हूँ बिल्कुल ही बाइक भी के पास। अब तू देख सकते हो इस ब्लॉग पे, तू देख सकते हो कि मैं जा रहा हूँ सुनहरा ये, और आपको पहले तो ऊपर जाके पीऊंगा मैं चाय, उसके बाद करूंगा मैं वो छोटा सा ड्राइव थोड़ा सा। तो यहाँ पे मैं बैठा हूँ अभी चाय के लिए, चाय की चुस्की, और ऊपर हैं ये पहाड़ जहाँ पे मैं ट्रैक करूँगा थोड़ी देर में, तो आपको दिखाऊँगा मैं ऊपर से वाइट पीक बिल्कुल पास में। ये तो मैंने पहली है कैप यहाँ के, अब मैं जा रहा हूँ ऊपर, बने रहो आप ब्लॉक के साथ और लो वाइट पीक के मज़े। तो ये है ट्रैक ऊपर के लिए खड़ोता हिल्स जो टॉप है, वो मैं आपको थोड़ी देर में दिखाता हूँ ऊपर जाके। ये ऐसा कुछ व्यू खड़ोता हिल्स का। तो गाइज फाइनली मैं पहुंच चुका हूं खड़ोता टॉप पे, और यहां से कुछ ऐसा नज़ारा वो सामने वाइट पीक, बट इस बार थोड़ी स्नो कम है तो बिल्कुल ही लाइट स्नो यहां से दिख रही है, बट ठीक है इट्स ओके। वो मैं अभी त्रिउंड का ट्रैक भी करूंगा तो शायद उसमें आपको अच्छे से स्नो दिखा पाऊंगा, बट ये कुछ खड़ोता हिल्स का कुछ ऐसा व्यू, टॉप ऑफ द माउंटेन, व्हाट अ ब्यूटीफुल वंडरफुल फीलिंग। और ये नीचे बिल्कुल स्टीप खाई है, बिल्कुल स्टीप खाई नीचे, वो देख रहे हो आप नीचे बिल्कुल लो रोड सामने जा रहा है कहीं, जो अंदर लिंक रोड गांव के लिए है। बाकी ये रहा टॉप, और यहाँ से ऐसा कुछ व्यू, और ये था खड़ोता हिल्स जहाँ के लिए मैंने आज का प्लान किया था। तो डे वन जो मेरा है वो खड़ोता हिल्स का था, तो मैं अभी खड़ोता पे ही पहुँचा हूँ। तो ये
बाकी टॉप ऑफ द माउंटेन पहुंचने के बाद ये है मेरी फीलिंग कि मैं अभी सांस मेरी चढ़ी हुई थी, तो अभी मैंने थोड़ा ब्रेक लिया, तो अब मैं बैठा हूँ बाइट पीक देखने के लिए। यहाँ 15-20 मिनट में स्पेंड करूँगा अकेले बैठ के, तो यहाँ का फील लूँगा इस जर्नी का। अब ब्लॉग देखते रहो और लाइक और कमेंट करते रहो। बाकी ये मेरी धर्मशाला की सीरीज है जो मैंने उनको जैसे टाइटल डाला, और पार्ट 1 पार्ट 2 बाई जितने भी मैं लोकेशन कवर करूँगा, तो आप लोग देखते रहो और चैनल को प्यार देते रहो और बने रहो ब्लॉग के साथ।